Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I am your computer teacher. This is your next assignment of computer, month of August, class 5, chapter 3, computer arithmetic. Arithmetic means calculation of number is called arithmetic. When we do any calculations on computer, we call it computer arithmetic. The history of computer arithmetic. Computer ke andar number, alphabets and symbols ye store hote hain computer ke trunk mein. Ise data kehte hain. ये डेटा कंप्यूटर को कैसे कम्युनिकेट करता है, प्रोवाइड कैसे करता है और किस तरह ट्रांसलेट करता है और किस फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, जैसे मैं डेटा इनपुट कर रही हूँ, अल्फ़ाबेट हो गए, सिंबल्स हो गए, लैंग्वेज कैसी है, किस लैंग्वेज में कंप्यूटर उसे समझेगा, जो कंप्यूटर के अंदर सर्किट मौजूद है जहाँ प्रोसेसिंग होती है और उससे डेटा की स्टोरेज होती है, सिलिकॉन चिप है और वो सारी चीज़ मिलकर ट्रांसलेटर बन जाती हैं. ट्रांसलेटर टू स्टेट पर मुश्तमिल है, ऑन एंड ऑफ. जैसे स्विच होता है, हमारे घर में भी स्विच होते हैं, उसका काम क्या है, ऑन एंड ऑफ, मतलब ज़ीरो और वन. स्विचेस की तरह होता है, स्विचेस की तरह काम करता है सेंसिटिव फॉर्म में. जैसे मैंने अभी बताया है, ऑन और ऑफ का काम करता है. ऑन का मतलब पल्सेस, पल्स, एंड ऑफ का मतलब नॉन पल्स. वन का मतलब पल्स ऑन होगा और नो पल्स का मतलब ऑफ, मतलब ज़ीरो होगा. ये कोड्स कहलाते हैं बाइनरी कोड्स, ज़ीरो एंड वन. ये जो बाइनरी कोड्स हैं, इन्हें दूसरे फॉर्म में बिट्स कहा जाता है. जिस तरह हर किसी की लैंग्वेज होती है, इसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, वन एंड ज़ीरो. अगर मैं कंप्यूटर में कोई अल्फ़ाबेट भी टाइप कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, तो कंप्यूटर उस अल्फ़ाबेट को नहीं समझेगा. उसके पीछे जो कोड है, जो बाइनरी लैंग्वेज, उसमें इस्तेमाल किए गए हैं हर अल्फ़ाबेट्स का अलग कोड है. जैसे मैं ए टाइप कर रही हूँ, तो कंप्यूटर उस ए को नहीं समझेगा. उसके पीछे जो बाइनरी कोड्स हैं, उसके साथ मौजूद हैं, उसको ट्रांसलेट करके वो समझेगा उसे ए टाइप करना है. ये बहुत जल्दी प्रोसेस होते हैं, तो वो हर चीज़ बहुत जल्दी ट्रांसलेट कर लेता है विद इन अ सेकेंड. वहाँ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद बाइनरी कोड के अंदर मेरी इनपुट डिवाइस मॉनिटर है, यहाँ पे मुझे ए शो करेगा. मतलब मेरी जो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, तो कंप्यूटर जो है मुझे मेरे मॉनिटर पर ए शो करेगा. तो कंप्यूटर लैंग्वेज समझ रहा है वो बाइनरी लैंग्वेज है. मींस अगर कंप्यूटर पे मैं ए टाइप कर रही हूँ, तो कंप्यूटर जो है वो ए नहीं समझेगा, जो ए का कोड है उसे समझ कर
वो विद इन अ सेकेंड मुझे मेरे मॉनिटर पे आंसर करेगा ए अल्फाबेट की सूरत में। कंप्यूटर उस कोड की लैंग्वेज समझ रहा है, बाइनरी कोड्स की वो अल्फाबेट नहीं समझ रहा। जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, वन एंड ज़ीरो। ASCII is the abbreviation for American Standard Code for Information Interchange. Are the most popular code is ASCII. 8 bits मिलकर बना है 1 byte. ये एक American Standard Code है जो information को interchange करता है किसी की फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में। डिफरेंट टाइप्स के जो बाइनरी कोड्स हैं उसमें अपर एंड लोअर केस मौजूद हैं, जिसमें लेटर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, पंचुएशन, सिंबल्स वगैरह हैं। ये सारे बाइनरी कोड्स कन्वर्ट हैं। ये चार्ट मौजूद है हमारे पास, इससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिससे मिलकर बाइनरी नंबर कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप यह चार्ट देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये नंबर्स दिए हुए हैं और बाइनरी नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं इसमें, नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं। तो ये सारे बाइनरी कोड्स हैं और नंबर्स का कॉलम्स अलग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ASCII का कोड्स ऑफ करेक्टर ऑफ M का हमारे पास अल्फ़ाबेट ऑफ M है। अब मैं बाइनरी कोड, अब M का बाइनरी कोड क्या होगा? M इज ये जो ब्लू लाइन में लिखा हुआ है 0100 और जो नंबर्स की लाइन में लिखा हुआ है 1101, ये कोड है M का। अगर मैं कंप्यूटर पे अल्फ़ाबेट में M टाइप कर रही हूँ तो कंप्यूटर को ये पता नहीं चलेगा कि मैंने M टाइप किया है। M के पीछे जो कोडिंग है वो उसे पहले रीड करेगा, उसे फिर ट्रांसलेट करेगा अल्फाबेट की फॉर्म में। इसी तरह अल्फाबेट A है तो अल्फाबेट A का जो पूरा बाइनरी कोड बनेगा 0100001, ये A का अल्फाबेट है। इसी तरह जब हम कुछ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसे नहीं समझता, उस अल्फ़ाबेट को नहीं समझता, बल्कि उसके जो पीछे कोड दिए गए हैं वो उसे समझ के हमें आंसर करता है। नाउ दिस इज़ योर नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ कंप्यूटर, मंथ ऑफ अगस्त, एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, What is ASCII? Answer, ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange. It is the most popular code in which the characters are coded in 8 bits. They are used to communicate with the computer. Question number 1, ये आपने write down करना है अपनी कंप्यूटर की कॉपी में। पहले मंथ ऑफ अगस्त का टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद एक्सरसाइज ए, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। एज आई एक्सप्लेन्ड इट व्हाट इज बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर इज 0 और 1। जब भी हम कोई भी कंप्यूटर में अल्फाबेट टाइप करते हैं तो वो प्रोसेस कर रहा होता है, पहले कंप्यूटर फौरन प्रोसेस करता है, फिर उसका आंसर हमें वो अपने मतलब अपनी लैंग्वेज में बाइनरी कोड में लेता है, फिर उसको हमें आंसर करता है, तो वो बाइनरी कोड्स होते हैं। आंसर प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर इज डन यूजिंग द बाइनरी कोड, द कंप्यूटेशन इनसाइड द कंप्यूटर टेक प्लेस यूजिंग बाइनरी कोड्स विद इज आइदर 0 और 1। उसके बाद आपने एक्सरसाइज बी की हेडिंग डालनी है नेक्स्ट पेज पे, राइट द करेक्ट स्पेलिंग। ये आपको स्पेलिंग्स नहीं है, ये जो रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं ये आपने ब्लैक पेन से लिखनी है, और जो राइट स्पेलिंग्स लिखनी है जिसके नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ है वो आपने ब्लू पेन से लिखनी है। नंबर 1, BINNARY,
तो राइट आंसर इज बाइनरी BINARY। नंबर टू डैश DEECIAML। आंसर इज DECIML। नंबर थ्री ASSCII। आंसर इज ASCII। नंबर फोर CICRUIT। द राइट आंसर इज CIRCUIT सर्किट। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ मंथ ऑफ अगस्त। एक्सरसाइज सी फिल इन द पावर ऑफ टू सीरीज एंड देयर इक्वेलिटीज रूल्स। आपने पावर ऑफ टू की बतानी है, इनकी इक्वेलिटीज पावर क्या है, रूल्स। आपने पावर ऑफ टू, टू की पावर जीरो, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फाइव। उसके बाद मीन एंड इक्वल्स। आपने जब भी हम मैथ्स में कुछ सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमारी जो टू की पावर, टू के ऊपर अगर कोई पावर नहीं दी हुई होती तो उसका मतलब है कि टू के ऊपर हमारी जो पावर है वो वन है। इसी तरह टू के ऊपर जीरो पावर, तो जीरो पावर है तो इसका मतलब ये है कि टू के ऊपर वन है। तो मीन आपका वन हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा वन के। अब टू के ऊपर पावर टू है तो इसका मीन होगा टू मल्टीप्लाई बाय टू। टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा फोर से। इसी तरह टू की पावर थ्री है तो टू की पावर टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल एट। तो टू की पावर थ्री जो है उसका मीन है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू एंड इक्वल्स है एट के। टू की पावर फाइव है तो आप टू को फाइव टाइम लिखेंगे। जो पावर्स होता है इसका मतलब ये है कि आपने उस टू को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे टू के ऊपर पावर जीरो थी तो टू को आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो आप सिर्फ उसकी पावर वन ही लिखेंगे, तो मतलब खाली टू लिखेंगे। इसी तरह टू की पावर टू थी तो आपने टू को टू बार मल्टीप्लाई कर दिया। टू की पावर थ्री थी तो आपने टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। आप टू की पावर फाइव है तो आप इसे टू को फाइव टाइम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 32 के, जो इसका मीन होगा टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल 32। तो ये आपकी पावर ऑफ टू सीरीज है, ये आपने अपनी कॉपी में राइट करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड, सो काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।